है वैसे आपको फुंकारते रहना है, तब आपका जीवन चलेगा। इसी की तरह आप लोग गौ माता को बचाने के लिए फुंकार की तरह निकले हैं, इसलिए हम आपको गुरुकुल परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आपका यात्रा सफल रहे और गौ माता बचे। एक गौ माता का उपकार, एक साथ यदि गौ माता दूध पिलाए तो 2.5 लाख लोग एक साथ एक गौ माता से उपकृत हो सकते हैं, और मांस से मात्र 100 लोग 150 लोग उपकृत हो सकते हैं। 100 लोगों का एक गौ माता का मांस 100 लोगों को उपकृत कर सकता है, पेट भर सकता है, किंतु उसका दूध हो तो एक साथ 2.5 लाख लोग उपकृत हो सकते हैं। तो इतना बड़ा योगदान गौ माता का है, तो गौ माता को बचाना हम सब का दायित्व है, और उस दायित्व में आप लोग लंबी यात्रा करके लोगों को जगाने के लिए एक प्रयत्नशील हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और आपका यात्रा सफल हो, आपका यात्रा मंगलमय हो, और हमारी गौ माता बचे, हमारा किसान बचे, और हमारा देश बचे, संस्कृति बचे, सभ्यता बचे। यदि विश्व में भारतीयता नष्ट हो गई तो समझ लीजिए इस पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, पूरा ये जो धरती है, ये धरती नष्ट हो जाएगी। तो धरती को बचाना है तो भारतीयता को बचानी है, और हम भी प्रयत्न कर रहे हैं, आप भी प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु इसको इकट्ठा होकर के यदि प्रयत्न करेंगे तो सफलता मिलेगी, ऐसा हम सबका एक विचार है। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, आपका यात्रा मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य।